वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे भी लगाए। वहीं विपक्षी सांसदों का कहना था कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। वहीं नियम के मुताबिक कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं, मेहताब तो 7 बार के ही सांसद हैं। वहीं प्रदर्शन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, हम ये आक्रमण नहीं होने देंगे। वहीं हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती।